अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम नमरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा मज़े की है, बड़े हों छोटे हों सब बहुत शौक से खाते हैं। क्रिस्पी फ्राइड पोटैटोज़ है आज की रेसिपी का नाम। चलते हैं इसकी हम रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी पोटैटोज़ बनाने के लिए मेरे पास जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें, ये सूजी है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी, चिली सॉस, कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लोर। ये आप क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पोटैटोस कुछ कट डाउन मैंने करके रख लिए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करेंगे टर्न बाय टर्न। ये आपके हसब ज़ायका है, नमक और मिर्च आप जितना ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। रेड चिली एंड हल्दी हमने इसमें ऐड कर दी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। Then we are going to add black pepper and salt according to your taste and quantity. Add chaat masala, zeera and coriander powder. Now we are going to add breadcrumbs and corn flour. इससे ये crisp हो जाएगा अच्छे से। अगर चावलों का आटा भी आपके पास available है तो आप वो भी इसमें add कर सकते हैं। Now we are going to add chili sauce. These potatoes. अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे सूजी रह गई थी जो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहे ना करें। ये क्रिस्प के लिए हमने सारी चीज़ें यूज़ किया, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर एंड दिस सूजी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना विद द हेल्प ऑफ हैंड्स या कोई और स्पून के साथ। अगर हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो हर एक जो इंग्रेडिएंट है इसमें अच्छी तरह से जो है मिक्सअप हो जाएगा। अब आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो सारे इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएँ और इसका टेस्ट इसमें अच्छे से आ सके। मैं आलुओं को तकरीबन 20 मिनट ऐसे ही रख दिया था। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई टाइम स्टार्ट होने लगे हमारा। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल पहले ही ऐड कर लिया था, वो अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टर्न बाय टर्न सारी जो पोटैटोस कट किए हैं ऐड करेंगे। देख रहे हैं ये लाइट गोल्डन से हो रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरह से कुक करने के, ये सॉफ्ट हो जाए कुछ मिनट्स के लिए। इसको आपने ऐसे ही रख देना हल्की आंच पे, और ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, नॉर्मल आंच होनी चाहिए जिस पे ये आराम से बन जाए। लाइट गोल्डन हो चुके हैं अब पोटैटोज। अब हम इसको ईजीली यहाँ से निकाल लेंगे। वो क्रिस्पी फ्राइड पोटैटोज रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और वाकई मज़े के हैं भी। इसको मैंने मेयोनीज़ प्लस केचप के साथ प्रेजेंट किया है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। इसको आप ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई जिसमें देर नहीं है। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और जब कभी आपको क्रेविंग्स होती हैं लेट नाइट तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और एक और अहम बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें और ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।